हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं हूं नारायण पटेल आपके अपने चैनल पे। आज मैं जवाहर नवोदय विद्यालय प्रवेश परीक्षा क्लास 6 के लिए है, जिसमें क्षेत्रवृत्ति के क्वेश्चन किस परिवर्तनों के साथ पूछे जा रहे हैं। पहले मैं डिस्कशन करूंगा, 5-6 क्वेश्चन आपको 90 और 2000 के बीच के क्वेश्चन जो कि बेहद आसान आते थे, और धीरे धीरे इन क्वेश्चनों का स्वरूप बदलता बदलता अब ये इसका कठिनाई स्तर बढ़ता जा रहा है। तो इसको हम लोग विभिन्न प्रैक्टिस से कैसे कम कर सकते हैं, तो आइए शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। देखिए, ये 1999 में एक क्वेश्चन, पहले पूरे भारत का एक क्वेश्चन हुआ करता था, फिर धीरे धीरे मंडलों वाइज बांटे गए क्वेश्चन, अब धीरे धीरे अब भी 200 सेट बनते हैं पूरे भारत में विभिन्न भाषाओं में, और वो पूछे जाते हैं। चलिए तो शुरू करते हैं आज का ये वीडियो, बताते हैं आपको किस प्रकार से क्वेश्चंस कठिन आ रहे हैं। तो पहला क्वेश्चन है, एक वर्ग का परिमाप 40 मीटर है तो उसका क्षेत्रफल बताइए। क्वेश्चन बहुत आसान आते थे पहले। अगर आपको परिमाप दिया है तो सीधी सी बात है, परिमाप का मतलब हो गया ये एक वर्ग है तो इसकी सभी भुजाएं बराबर होती हैं। तो चूंकि उसका परिमाप 40 है तो 4 से हम भाग कर देंगे, तो चूंकि चारों भुजाएं बराबर हो तो एक भुजा मालूम हो जाएगी, तो एक भुजा हो गई 10 मीटर। तो उसका क्षेत्रफल होता था भुजा स्क्वायर या भुजा इंटू भुजा। तो 10 का भुजा इंटू भुजा, तो 100 वर्ग मीटर, अर्थात ऑप्शन बी आपका सही है, आपका ऑप्शन बी। चलिए अब मैं बढ़ता हूं अगले क्वेश्चन की ओर। एक ये भी क्वेश्चन है, उसी ईयर में कोई एक दूसरे रीजन में पूछा गया था, एक फर्श की माप 5 मीटर इंटू 4 मीटर, यानी लंबाई 5 मीटर और चौड़ाई 4 मीटर है, फर्श को ढकने के लिए कितने टाइल्सों की आवश्यकता होगी। यदि एक टाइल की माप 80 सेंटीमीटर इंटू 50 सेंटीमीटर हो, यानी कमरे की लंबाई आपको जो दी गई है वो मीटर में है, और ये जो आपका टाइल है उसकी लंबाई और चौड़ाई आपको सेंटीमीटर में दी गई है। तो इसलिए इसमें याद रखना है कि हमें यूनिट यानी जो उसका मापन है मीटर में रखना है या फिर सेंटीमीटर में रखना है। तो चूंकि टाइल की माप सेंटीमीटर में दी गई, इसलिए हम लोग इसकी माप को पहले मीटर में बदल लेंगे। एक मीटर में होता है 100 सेंटीमीटर, तो सबसे पहले चूंकि आयत का क्षेत्रफल होता है लंबाई इंटू चौड़ाई, तो सबसे पहले मैं आपको कमरे का क्षेत्रफल निकालेंगे। तो आपके कमरे का जो क्षेत्रफल होगा वो है एल इंटू बी, तो यानी 5 यानी 5, 100 इंटू 400, ये पूरी फर्श का हो गया। इसको मैं एक टाइल से भाग कर दूंगा, तो ये इसका है आपका 80 इंटू 5, तो 80 इंटू 50 है, 50 कर देंगे। अब देखिए काटते हैं, एक जीरो, तो ये दोनों जीरो हम यहाँ से ये और ये, 5 एकम 5 एकम काट देंगे, 8 एकम और 8 पंजे 40, यानी 50 टाइल उसमें लगेगा। अगला क्वेश्चन 3, ये भी 1999 के विभिन्न मंडल का है, किसी भी मंडल का। इसमें भी क्वेश्चन थोड़ा सा अलग है। 20 मीटर लंबी तथा 10 मीटर चौड़ी एक आयताकार टंकी में 2 मीटर गहराई तक पानी भरा है। इसके पानी को 10 मीटर लंबी और 5 मीटर चौड़ी एक दूसरी आयताकार टंकी में डाल दिया जाए, तो दूसरी टंकी में पानी की गहराई क्या होगी। यानी जब लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई दी हो तो उसके आयतन की बात होती है, और कोई भी आयताकार बर्तन हो, कमरा हो, तो उसका जो आयतन होता है वो होता है लंबाई इंटू चौड़ाई इंटू ऊंचाई। तो देखिए इसमें चूंकि दोनों ये टंकियां ही हैं और उन टंकियों से हम बात करने जा रहे हैं, यहाँ पर दोनों टंकियों के आयतन को निकाल के बराबर कर देंगे, तो
लंबाई इंटू चौड़ाई, तो पहली जो टंकी उसकी लंबाई है 20 इंटू 10 इंटू गहराई है उसकी आपकी 2, और ये बराबर होनी चाहिए एक 10 मीटर और 5 मीटर उस 5 है और उसकी गहराई मुझे नहीं पता है, h मान लेंगे। अब देखिए इसका मतलब ये h बराबर आ जाएगा 20 इंटू 10 इंटू 2 बटे ये हो जाएगा 10 इंटू 5। तो आप 10 और 10 ऐसे ही काट देंगे, 5 एकम 5 चक्कू 20 और 4 दूनी 8, यानी 8 मीटर दूसरी टंकी में पानी 8 मीटर गहरा होगा। अगला प्रश्न बेहद आसान है। उस बॉक्स का आयतन क्या होगा जिसकी प्रत्येक कोर 3 मीटर है, यानी ये घन की बात होती है। घन क्या है? जिसकी सभी भुजाएं बराबर हों, जैसे आपका लूडो, तो उसका आयतन हो जाएगा जैसे उसमें करते हैं लंबाई इंटू चौड़ाई इंटू ऊंचाई, उसमें भी लंबाई इंटू चौड़ाई इंटू ऊंचाई यानी 3 बार गुना करना रहेगा। तो इसका जो आयतन होगा, तो ये आयतन आपका निकलेगा यहाँ से, आयतन इक्वल टू भुजा इंटू भुजा कितनी है 3 × 9 × 27 यानी 27 घन मीटर, यानी इसका दूसरा जो होगा वो हो जाएगा आपका 27 घन मीटर, यानी इसका आंसर हमारा हो जाएगा 27 घन मीटर। देखिए 98 यानी उससे पीछे गए तो और भी आसान क्वेश्चन आया। एक आयत की लंबाई चौड़ाई क्रमशः 5 सेंटीमीटर और 1 सेंटीमीटर, उसका क्षेत्रफल बताओ। क्षेत्रफल होता है लंबाई इंटू चौड़ाई, तो इसका सीधे सीधे लंबाई यानी एल बी, तो 5 इंटू 1 बराबर 5। अब देखिए सेंटीमीटर दिया है, ये नहीं होगा क्योंकि सेंटीमीटर 2 बार गुणा होता है, इसलिए वर्ग सेंटीमीटर। जल्दबाजी बिल्कुल ना करें तो ऑप्शन आपका बी वाला सही होगा। अगला प्रश्न है, ये 96 का है। एक वर्गाकार आंगन का क्षेत्रफल 196 वर्ग मीटर है, तो उसकी परिमित, परिमित का मतलब हो गया परिमाप। तो क्षेत्रफल देखिए क्या होता था, मैंने आपको इसके पहले वाले प्रश्न में बताया था भुजा स्क्वायर वर्ग का, तो ये हो जाएगा भुजा का वर्ग बराबर 196, तो इसकी भुजा हो जाएगी अंडर रूट 196, ये होता है बच्चों 14 का वर्ग। और चूंकि ये क्या है आपका वर्ग है, तो वर्ग की 4 भुजाएं होती हैं और एक भुजा आपकी 14 है, तो 14 चक्कू 56 यानी भुजा इंटू 4, तो 14 चक्कू 56 देखिए डायरेक्ट आप इसे लगा सकते थे। देखिए 95 का क्वेश्चन और भी आसान था। एक वर्ग की भुजा 50 सेंटीमीटर, इसका परिमाप यानी 50 इंटू 4, क्योंकि परिमाप का चारों भुजाओं का जोड़ होता है, चूंकि इसमें 4 भुजा होती हैं वर्ग में, तो 50 इंटू 4 यानी 200 मीटर सीधे सीधे आप इसे लगा सकते थे, क्योंकि 4 इंटू भुजा होता है 5 चक्कू 20 इतने मीटर। चलिए अब मैं बढ़ता हूँ आगे। अब मैं थोड़े क्वेश्चंस इधर के आपको 2010 के बाद के बताता हूँ। देखिए क्वेश्चन कैसे बदल रहे हैं। जो जब 3 चित्रों को फ्रेम कराना चाहता है, यानी 3 चित्रों में वो फ्रेम आप लोग समझते हैं जो जिसको फोटो मरते हैं, प्रत्येक चित्र की लंबाई 3.5 मीटर लंबी और 2.5 मीटर चौड़ी है, तो फ्रेम के लिए कुल कितनी लकड़ी, पहली बात तो एक फ्रेम के लिए कितनी लकड़ी चाहिए फिर हम निकाल लेंगे। चूंकि फ्रेम आयताकार होता है, लंबाई और चौड़ाई दी है, तो आयत का जो परिमाप है उसका फार्मूला होता है 2 लंबाई धन चौड़ाई, तो ये हो गया 2 लंबाई 3.5 प्लस 2.5 2 इंटू 6 इक्वल टू 12।
तो एक का 12 है, 12 मीटर, तो अगर आप चार तीन बनवाना चाहते तो 12 तिहाई 36 मीटर लगेगा। ऑप्शन संख्या आपका ये चौथा सही है। ये क्वेश्चन आजमगढ़ क्षेत्र में पूछा गया था 2014 का। अगला प्रश्न कठिन भी है और देखने में, ये दिल्ली में 2013 का क्वेश्चन है। एक आयताकार खेत जिसकी बीमाएं बीमाएं माने होता है भुजाएं 64 मीटर इंटू 36 मीटर हैं, का क्षेत्रफल एक वर्गाकार खेत के क्षेत्रफल के बराबर हो तो वर्ग की प्रत्येक भुजा क्या होगी। तो चूंकि क्षेत्रफल देखिए बराबर होता है तो वर्ग का भी क्षेत्रफल आपको इतना ही रखना, तो आप लिखेंगे यहाँ पे, तो क्षेत्रफल आपका इतना दिया है, चूंकि वर्ग का क्षेत्रफल होता है भुजा का स्क्वायर, और जब मैं इसे स्क्वायर को हटाऊंगा तो इसका लग जाएगा अंडर रूट, तो इसका अंडर रूट का मतलब भुजा निकल आएगी। तो 64 का वर्ग कितना होता है 8, 36 का कितना होता है 6, तो 8 × 6 = 48। यानी बहुत आसानी से इस क्वेश्चन को आप लोग कर सकते थे कि जो क्षेत्रफल दिया है उसका हम वर्गमूल ले लें तो ये भुजा निकल आएगी आपके वर्ग की। ये 2015 का क्वेश्चन है जो कि आपका हरियाणा और राजस्थान के पेपर में आया था। इसमें देखिए चित्र देकर के वो पूछ रहा है, जिसमें आप सभी बच्चे देख रहे होंगे ये लंबाई है, ये चौड़ाई है और ये ऊंचाई है। तो ये एक प्रकार का ये घनाभ है और घनाभ का जो आयतन होता है वो होता है लंबाई इंटू चौड़ाई इंटू ऊंचाई। आयतन पूछ रहा था तो लंबाई हो गई 5 × 3 × 2, 5 × 15 = 30, तो 30 घन सेंटीमीटर होगा जो हमें घनाभ दिया गया है इसका क्षेत्रफल। चलिए मैं बढ़ता हूँ अगले क्वेश्चन की ओर। चलिए अगला क्वेश्चन देखें। इस क्वेश्चन में कह रहा है एक आयत को 30 सेंटीमीटर पतले तार से बनाया गया है। कोई एक तार है जो 30 सेंटीमीटर का, उसी से एक आयत बनाया जा रहा है। तो आयत देखिए कैसा होता है, जिसकी चौड़ाई 6 है, तो ये देखिए 6 कर दो तो चौड़ाई उसकी 6 6 हो गई, टोटल 12। चूंकि तार था 30 सेंटीमीटर, 30 से आप 12 को घटा दें तो ये बचेगा 18। इसका मतलब 18 सेंटीमीटर की दो लंबाइयां बनेंगी, तो 18 का आधा कर देंगे तो 9 और 9, अर्थात उसकी जो लंबाई रहेगी वो 9 रहेगी। मतलब आप चित्र बना करके भी बहुत आसानी से प्रश्न को निकाल सकते थे। चलिए अब मैं बढ़ता हूँ आगे। देखिए 2015 का ये प्रश्न है जिसमें चार आपको जो है घनाभ दिए गए और उसने पूछ रहा किस घनाभ का आयतन सबसे अधिक है। मतलब इसमें आपको चारों के आयतन निकालने होंगे। तो देखिए प्रश्न धीरे धीरे आपके कठिन होते जा रहे हैं। तो देखिए आयतन क्या होता है, लंबाई इंटू चौड़ाई इंटू ऊंचाई। अगर आप पहले को देखेंगे तो आपका जो इसमें निकलेगा 15, अब लंबाई चौड़ाई ऊंचाई चारों गुणा करेंगे सब में, तो 12 है 12 12 4 48, 48 × 480, तो पहले का आपका आ जाएगा 480। दूसरा देखेंगे 8 × 64 अट्ठे होता है 512। तीसरा देखेंगे 47 × 49 = 490, 15 × 75 = 750। तो देखिए 750 तो सबसे ज़्यादा डी वाले का है और डी वाला ऑप्शन बी वाले में है। यानी सबसे अधिक अगर क्षेत्रफल किसी का है तो वो है आपका चित्र नंबर 4 का, जो कि ऑप्शन डी है, और जो उत्तर में डी ऑप्शन दिया गया है वो है हमारा बी में, इसलिए हमारा उत्तर यहाँ बी वाला सही होगा। चलिए देखता हूँ अगला क्वेश्चन। अगला प्रश्न 2016 का है जिसमें देखिए चित्र दिया गया, चित्र बता रहा है नीचे दी गई आकृति 3 आयतों से मिलकर बनी है, प्रत्येक आयत का क्षेत्रफल आयत के अंदर दिखाया गया है, और ए बी बराबर आपका कह रहा 8 है, ये देखिए 8 दिखा रहा है, तो बी सी की लंबाई इसकी क्या होगी। इनको निकालने के लिए आप लोगों को चूंकि कक्षा 5 में बहुत बढ़िया क्षेत्रफल के में बताया भी गया है
कि जब क्षेत्रफल आपको दिया हो और एक भुजा दी हो तो आप दूसरी भुजा निकालने के लिए पहली वाली भुजा से भाग कर देते हैं। तो देखिए पहला इसका अगर आप देख रहे होंगे 48 है जिसमें एक भुजा 8 है, तो 8 से हम भाग कर दें तो ये दूसरी भुजा, तो 8 × 6 = 48, तो ये 6 निकल आई हमारी BH, और तो हमारी ये वाली भी 8 होगी, तो 8 × 2 = 16, तो ये 2 निकल आई, तो ये हो गई 6 × 2 = 8, यानी पूरी हो गई है 8 सेंटीमीटर। चूँकि इसका जो क्षेत्रफल है ये आप अभी देख रहे थे, ये हमारी 8 निकली है दोनों माफ करके, और इस वाले का एरिया जो है वो पूरा है 32, तो हम 8 से इसको भाग कर देंगे तो 8 × 32 यानी 4 सेंटीमीटर आएगी। तो प्रश्नों को बहुत ध्यान से करना है तभी आप इनके उत्तर निकाल सकते हैं। चलिए अगला सवाल है कि एक आयत की भुजाओं में 5:3 का अनुपात है तथा उसका परिमाप 64 है, तो उसका क्षेत्रफल बताओ। क्षेत्रफल बताने के लिए हमें लंबाई और चौड़ाई मालूम होनी चाहिए, तो सबसे पहले हम इस अनुपात की सहायता से लंबाई और चौड़ाई ज्ञात करेंगे। कैसे? मान लेते हैं इसकी लंबाई आपकी 5x है, क्योंकि सबसे बड़ी भुजा 5 है, उसको हम 5x मान लिया, और चौड़ाई को हमने 3x मान लिया। चूँकि इन दोनों का जोड़ का दुगुना यानी 2 लंबाई + 4 चौड़ाई बराबर होता है आपका परिमाप, परिमाप हो गए 64 के, तो 5 × 3 = 8, 8 × 2 = 16, 16x बराबर हो गया 64, तो x बराबर 16 × 64, x की वैल्यू आ गई 4, तो लंबाई हो गई 5 × 20 और चौड़ाई आपकी हो गई 4 × 12। तो चूंकि आयत का क्षेत्रफल होता है लंबाई इंटू चौड़ाई, गुणा कर देंगे तो 12 × 2 = 24, 240 आपका वर्ग सेंटीमीटर, 240 कहीं आ रहा है ऑप्शन ए। तो इस प्रकार से बहुत से क्वेश्चंस हैं जिन्हें आप कर सकते हैं अपने प्रैक्टिस के द्वारा। अगला वीडियो हमारा एक दूसरे टॉपिक पे होगा, उसे भी आप अवश्य देखिएगा। अगर वीडियो पसंद आ रहे हैं तो हमारा चैनल को सब्सक्राइब कर लें जहाँ लिखा है, और उस पर बेल आइकन बनी जो घंटी उसे ज़रूर दबा दें, जिससे जब भी मैं कोई नया वीडियो डालूँ आप तक सबसे पहले पहुँचे। धन्यवाद।